गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल एबिलिटी की अपनी आज क्लास नंबर 25 है और टॉपिक है अपना मिक्सर एंड एलिगेशन मिश्रण, जिसका आज दोस्तों पार्ट टू है। दोस्तों, यदि आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर इसका पार्ट वन ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, एक दूध विक्रेता किसी दूध के बर्तन से 11 किलो दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला देता है। यह क्रिया वह दो बार और करता है, मतलब टोटल वह यह क्रिया कितनी बार कर रहा है, तीन बार कर रहा है। यदि प्रारंभ में 110 किलोग्राम दूध था तो अब बर्तन में शेष दूध की मात्रा क्या है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरू में बर्तन में दूध कितना था, 110 किलो, 110 केजी बर्तन में शुरू में दूध था। फिर क्या किया दोस्तों, 11 किलो उसमें से निकाल लिया गया और उतना ही उसके अंदर क्या कर दिया गया दोस्तों, पानी मिला दिया गया। 11 किलो दूध निकाल लिया और पानी मिला दिया, फिर दोबारा उसमें 11 किलो निकाल लिया गया मिश्रण में से और फिर 11 किलो पानी मिला दिया गया। ऐसा कितने बार किया गया दोस्तों, दो बार और, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है दो बार और किया गया, मतलब तीन बार किया गया। तो देखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना, आप कैसे फॉर्मूले को यूज़ करना है। सीधा मैं फॉर्मूला ना लिखकर उसके यूज ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है अपन को दूध की मात्रा कितनी है। दूध की मात्रा है अपने पास में 110, 110 किलो या 110 लीटर अपने पास में दूध था। तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, फिर किससे आगे लिखते हैं, 1 माइनस कितने किलोग्राम दूध वह निकाल रहा है मिश्रण में से, तो 11 किलोग्राम वह दूध निकाल रहा है। कितने में से निकाल रहा है, 110 में से निकाल रहा है। क्लियर, क्या किया, 1 माइनस 11 बटे 110, 1 माइनस 11 बटे 110 कितना निकाल रहा है, 11 निकाल रहा है, कितने में से निकाल रहा है, 110 में से निकाल रहा है। और यह प्रक्रिया दोस्तों कितनी बार हुई है, तीन बार हुई है, तो इसकी पावर दोस्तों मैं लगा दूंगा तीन। इसकी पावर कितने लगा दूंगा मैं, तीन लगा दूंगा। अब बस इसी को सोल्व करना है दोस्तों, जो शेष दूध बचेगा उसकी मात्रा यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी। दोबारा देखना क्या किया मैंने, सबसे पहले कितना दूध है अपने पास वो लिखेंगे और उसके बाद में दोस्तों अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कितना दूध निकाल रहा है, 11 किलो दूध निकाल रहा है, बट्टे कितने में से निकाल रहा है, 110 में से निकाल रहा है, और पावर में लगाना है दोस्तों तीन, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है वो कितने बार दोहराई जा रही है, तीन बार यह प्रक्रिया दोहराई जा रही है, इसलिए पावर में आ गया दोस्तों तीन। अब इसको दोस्तों अपन सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 110 गुणा 11 से 110 को कैंसिल करूंगा तो 11 एकम 11 और नीचे आ जाएगा दोस्तों 10। तो ये आ गया दोस्तों 1 माइनस 1 बटा 10, 1 माइनस 1 10, 1 माइनस 1 बटा 10 कितना होता है दोस्तों, 9 बटे 10, 9 बटे 10 हो गया। और पावर कितनी है दोस्तों, इसकी तीन है। तो चलिए दोस्तों सोल्व कर लेते, 110 इंटू 9 बटे 10 की पावर तीन है, तो इसको मैं तीन बार लिख दूंगा, 9 बटे 10 गुणा 9 बटे 10 गुणा 9 बटे 10, 0 से 0 दोस्तों मैंने कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों ये 9 गुणा 9 गुणा 9 है, तो 9 का क्यूब आपको याद रखने के लिए बोला हुआ था, तो 9 का क्यूब आप लिख देंगे, आपको पता होना चाहिए 9 का क्यूब कितना, तो वो होता है दोस्तों 729, 729। तो वैल्यू हो गई दोस्तों अपने 11 गुणा 729 बटे 100, 11 गुणा 729 बटे 100। अब दोस्तों किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं स्पीड के साथ, वो मैंने अपने वीडियो में आपको सिखाया था। यदि दोस्तों अभी आपने वो मल्टीप्लीकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो इसको मैं उसी फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोबारा समझाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9, 1 और 7 और 1 8, और दोस्तों नीचे 100 है तो यह पॉइंट लग जाएगा 80 के बीच में, तो 80.19 इसका सही जवाब होगा, 80.19 ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी पैटर्न पर मैंने लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक बर्तन में दोस्तों 80 लीटर दूध था, कितना दूध था, 80 लीटर दूध था। इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसको पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को दो बार दोहराया गया, दो बार दोहराया गया, मतलब एक बार पहले हो चुका और दो बार और किया, तीन बार किया। तो क्या करना है, 1 माइनस 8 बटे 80, 8 बटे 80, 8 लीटर दूध निकाल रहा है और कितने में से, 80 में से निकाल रहा है,
और पावर लगा देंगे दोस्तों, फिर से तीन, क्योंकि दो बार दोहराया गया है, पहले एक बार हो गई इस प्रक्रिया, फिर दो बार और दोहराया गया, ऐसे लिखा होना चाहिए, इस प्रक्रिया को फिर दो बार दोहराया गया। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास में 80 इंटू 1 माइनस 8 बट्टे 80 की पावर 3। 8 बट्टे 80 दोस्तों वही सेम हो जाएगा 1 बट्टे 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 80 गुणा 1 माइनस 1 बट्टे 10 की पावर 3। 1 माइनस 1 बटा 10 हो जाएगा दोस्तों 9 बट्टे 10, तो 9 बट्टे 10 को दोस्तों अपन लिखेंगे 80 गुणा 9 इंटू 9 इंटू 9 बट्टे 10। 9 बटे 10 तो पावर 3 है, तो इसको अपन 3 बार लिख लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 7 9 की पावर होती है दोस्तों 700 गुणा 30 और बट्टे आ जाएगा दोस्तों 100। इसको 700 गुणा 30 को दोस्तों अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700 गुणा 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 8 गुणा 700 गुणा 30 बट्टे 100, तो ये आ जाएगा अपने पास में 8 64 9 8 72 7 16 7 23 2 56 2 58, ये आ गया दोस्तों अपने पास में 58.32। 58.32 दोस्तों इसका सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ई के अंतर्गत है, 58.32 58.32 ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शराब विक्रेता किसी शराब के बर्तन से 40 लीटर शराब निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला देता है, दूसरी बार 80 लीटर शराब मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला देता है, और तीसरी बार 160 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला देता है। यदि प्रारंभ में 800 लीटर शराब थी तो अब बर्तन में शराब कितनी बची है। तो सेम दोस्तों क्या कर रहा है, पहले 800 लीटर उसके पास में शराब थी, फिर उसने 40 लीटर निकाली और उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर दोस्तों उसने 80 लीटर निकाली फिर उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर दोस्तों उसने 160 लीटर निकाली और फिर उसकी जगह पानी मिला दिया। तो जो अभी अपन ने मेथड सीखा उसी मेथड पर दोस्तों ये क्वेश्चन आधारित है। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं इसको। प्रारंभ में मात्रा है दोस्तों 800, अंडर ब्रैकेट 1 माइनस, सबसे पहले निकाला दोस्तों इसने 40 लीटर, कितना निकाला दोस्तों इसने 40 लीटर निकाला, टोटल कितनी है 800 है। फिर दोस्तों इसने निकाला 80 लीटर, तो 80 बट्टे 800। फिर लास्ट में इसने निकाला दोस्तों 160 लीटर, तो 160 बट्टे 800। दोबारा से देखना दोस्तों, दोबारा से लिखता हूँ मैं, 800 सबसे पहले निकाल रही है 40 लीटर, तो 40 बट्टा 800। फिर निकाल रहता है ये 80 लीटर, तो 80 बटे 800। आठ सौ इंटू 1 माइनस 40 बट्टा 800, 1 माइनस 80 बट्टा 800 और 1 माइनस 160 बट्टे 800। इसको सोल्व करता हूँ दोस्तों, 40 0 से 0, 4 से ये काट दूंगा 20, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 800 गुणा ये हो जाएगा 19 बट्टे 20 इंटू, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको काटूंगा 10, ये आ जाएगा 9 बट्टे 10 और ये आ जाएगा दोस्तों 5, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 बट्टे 5। 0 से 0 दोस्तों ये कैंसिल कर दूंगा, नीचे बच जाएगा दोस्तों 10। तो ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों अपने पास में, ये वैल्यू आ गई 8 गुणा 19 गुणा 9 गुणा 4 बटे 10। इसको दोस्तों जब अपन सोल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दोस्तों आपको सिर्फ यही रखना है कि जहां अपन पावर लगा रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में कि 3 बार हो रहा है तो 3 पावर लगा दी, 5 बार हो रहा है तो 5 पावर लगा दी, यहां पावर नहीं, क्यों पावर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मात्रा जो है मिश्रण में से जो मात्रा निकाल रहा है वो अलग अलग निकाल रहा है, पहले 40 निकाल रहा है, फिर 80 निकाल रहा है, फिर 160 निकाल रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले 40 माइनस कर देंगे, अगले में 80 माइनस कर देंगे और उससे अगले में 160 माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। ध्यान देना दोस्तों, मिश्रण है अपने पास में 35 लीटर और जिसके अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है।
चार जो है वो मिल्क है और एक जो है वो वाटर है। 35 लीटर दूध के मिश्रण का अनुपात है 4:1। अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उसका अनुपात 2:1 हो जाए। क्या मिलाना है दोस्तों? पानी मिलाना है। कितना मिलाना है? इसका जो अनुपात है वो 2:1 हो जाए। 4:1 की बजाय कितना हो जाए? 2:1। तो दोस्तों ध्यान से देखना है इसको कैसे करेंगे। पहले अपन लिखेंगे दोस्तों, जो 35 लीटर का मिश्रण है उसमें अपन को 4:1 में इसको डिवाइड करना है। तो 4 और 1 होता है दोस्तों 5, 5 से इसको कैंसिल किया 7, तो 7 चौक 28 लीटर तो है दोस्तों अपने पास में दूध मिल्क है, और 7 लीटर है दोस्तों अपने पास में वाटर। 7 लीटर वाटर है और 28 लीटर अपने पास में दूध है। 28 लीटर तो दोस्तों अपने पास में दूध है और 7 लीटर अपने पास में पानी है। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, इसके अंदर पानी मिलाना है, और इस हिसाब से अपन को पानी मिलाना है कि जो अनुपात है वो 2:1 हो जाए। ध्यान से देखना दोस्तों, 28 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी है। तो दोस्तों 28 लीटर दूध हो गया बट्टे 7 लीटर पानी में मैंने दोस्तों 8 लीटर पानी और मिला दिया, तो अनुपात कितना आना चाहिए? अपना अनुपात आना चाहिए 2:1, 2:1 आना चाहिए। तो 2/1 लिख दिया दूध वाला ऊपर। अब दोस्तों 1 की वैल्यू इतनी है, 2 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू 14, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14। तो यहाँ पे 7 रखूँगा तभी तो 7 और 7 14 होगा। तो इसका सही जवाब कितना हो गया दोस्तों? 7, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 7 लीटर दोस्तों उसको पानी मिलाना चाहिए। कैसे किया समझना दोस्तों, अपने निकाल लिया था कि दूध जो है वो 28 लीटर है और पानी जो है वो 7 लीटर है। अब कितना पानी मिला रहा है? मान लिया अपने अक्स पानी मिला रहा है, तो अनुपात कितना हो रहा है दोस्तों? अनुपात हो रहा है इसका 2:1, 2:1 हो जाता है अक्स लीटर पानी मिलाने से। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे, आप यदि डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो 28 × 14 + 2 अक्स, और 14 इधर आ जाएगा, 28 में से माइनस होगा 14, 2 से डिवाइड होगा 7, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 7 आ गई। मैंने डायरेक्ट कैसे किया था दोस्तों, समझने की कोशिश करना, आप भी डायरेक्ट इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। देखना दोस्तों, 1:2 का मतलब हुआ जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से डबल है। 1 2/1 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ जो 1 है उससे डबल है ऊपर वाली संख्या। तो ये जो ऊपर कितना है 28 है, वो नीचे वाली से डबल है। नीचे वाली से डबल है मतलब नीचे वाली कितनी है? 14 है, तभी तो डबल होगा, ऊपर वाला 28 है। तो नीचे वाली 14 है और 7 अपन को क्लियर दिख रहा है लेकिन एक्स नहीं दिख रहा, तो 7 में कितना प्लस करूँगा कि 14 आएगा? तो 7 प्लस करूँगा मैं तभी 14 आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। 300 ग्राम का दोस्तों अपना एक मिश्रण है जिसके अंदर 40% चीनी है। चीनी कितनी है अपने पास में दोस्तों? 40%, और 300 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 120 ग्राम। 120 ग्राम दोस्तों उसके अंदर चीनी है। अब ये क्या बोलता है दोस्तों, इसमें कितनी चीनी और मिलाया जाए कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 300 ग्राम का अपना मिश्रण है जिसमें से 40% चीनी थी, मतलब 120 ग्राम चीनी थी। चीनी कितनी थी? 120 ग्राम थी। अब बोल रहा है दोस्तों, ये हो गई दोस्तों इसकी 120 ग्राम चीनी। अब कितनी चीनी और मिलाए ताकि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, 120 ग्राम चीनी थी, तो बाकी का कितना बचा? 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या हो गया दोस्तों? पानी हो गया। 300 था टोटल, तो 120 चीनी है तो 180 पानी है, तो पानी तो दोस्तों उतना ही रहना है। क्या बढ़ा रहा है? ये चीनी बढ़ा रहा है, और फिर क्या होएगा? चीनी 50% हो जाएगी। चीनी 50% होने का मतलब हुआ 50% चीनी होगी, 50% पानी होगा, मतलब दोनों आधी आधी होगी। तो आधी आधी होने का मतलब दोस्तों 120 को कितना बनाना है अपन को? 180 बनाना है। 120 को 180 बनाना है तो कितना कम पड़ रहा है? 60 कम पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है दोस्तों वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। समझ में नहीं आया, दोबारा से समझना दोस्तों। 300 ग्राम का अपना मिश्रण है जिसमें से चीनी है दोस्तों अपने पास में 40%। 40% 300 का 40% निकालेंगे तो अपने पास में आता है दोस्तों 120।
120 अपने पास में चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा दोस्तों, पानी हो जाएगा अपने पास में 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 300 है, 300 में से 120 चीनी हो गई तो 180 पानी हो गया। अब बोलता है दोस्तों इसमें कितनी चीनी मिलाए कि चीनी 50% हो जाए। चीनी 50% होने का मतलब हुआ पानी फिर 50%, बाकी का पानी है और तो कुछ तीसरा तो इसके अंदर कुछ है नहीं, तो 50% चीनी हो गई, 50% पानी हो जाएगा, तो कहने का मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए दोस्तों 180 बनाना है 120 को, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 60 प्लस करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अपना, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, समझना, 40 लीटर का मिश्रण है दोस्तों जिसके अंदर 10% पानी है। पानी कितना है दोस्तों इसके अंदर, 10% पानी है। 10% पानी का मतलब हो गया दोस्तों 4 लीटर इसके अंदर पानी है। कितना पानी हो गया दोस्तों इसके अंदर, 4 लीटर। नए मिश्रण में 40% पानी होने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों पानी 4 हो गया तो दूध कितना है उसके अंदर, दूध हो जाएगा दोस्तों उसके अंदर 36, क्योंकि टोटल 40 है, 4 पानी हो गया तो दूध हो जाएगा दोस्तों 36। तो दोस्तों यही अपने काम में आएगा, दूध हो गया दोस्तों अपने पास में 36, दूध को ये छेड़ नहीं रहा है, और पानी है अपने पास में दोस्तों 4 लीटर। 40 लीटर का मिश्रण हो गया, 36 और 4, दूध 36 और पानी 4। अब बता रहा है दोस्तों नए मिश्रण में 40% पानी होने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब जो नया मिश्रण बनेगा उसमें कितना पानी करना है अपन को, 40% पानी करना है। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं लिखता हूँ इसको, दूध ऊपर लिख देता हूँ, नीचे पानी लिख देता हूँ। दूध ऊपर लिख दिया मैंने 36, नीचे पानी लिख दिया 4, और जो उसमें अपन मिला रहे हैं दोस्तों अक्स। अब आगे परसेंटेज कितना आएगा, 40% क्या कर रहा था ये, पानी कर रहा था, तो पानी नीचे है, पानी नीचे है यहाँ पे, तो या नीचे ले लेंगे, ऊपर ले लूँगा मैं दोस्तों 60 कहाँ से आया दोस्तों, जब 40% पानी है तो फिर 60% दूध होगा ना नए मिश्रण में, परसेंटेज तो 100 ही होता है, तो 40 जब पानी है तो 60 हो जाएगा उसके अंदर दूध, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया अपने पास में 3/2, मतलब रेशियो हो गया अपने पास में 3/2, 3 से दोस्तों 36 को काट दूंगा तो ये हो जाएगा 12 को 2 से गुणा करूंगा दोस्तों 24, तो ये हो गया दोस्तों अपनी इक्वेशन बन गई 4 + x = 24, तो x इजिकल टू कितना आ गया दोस्तों अपने पास में 20। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो इसका सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, एक रसायनज्ञ के पास 10 लीटर का मिश्रण है जिसमें मात्रा का 10% नाइट्रिक एसिड है, वह मिश्रण को पानी मिलाकर इतना पतला करना चाहता है कि मात्रा 4% रह जाए, पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो दोस्तों सेम वे से ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को, 10 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण कितना है इस बार 10 लीटर का मिश्रण है, उसमें से जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड वो है दोस्तों अपने पास में 10%, तो 10 का दोस्तों 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 जो है वो दोस्तों वो है नाइट्रिक एसिड, 1 लीटर इसके अंदर नाइट्रिक एसिड है, तो पानी कितना हो गया फिर दोस्तों उसके अंदर, उसके अंदर पानी हो गया दोस्तों 9 लीटर, 1 लीटर नाइट्रिक एसिड हो गया और 9 लीटर उसके अंदर पानी हो गया, यही से अपना आंसर हो जाएगा। 1 लीटर अपने पास में नाइट्रिक एसिड हो गया और 9 लीटर दोस्तों अपने पास में क्या हो गया, 9 लीटर हो गया दोस्तों अपने पास में पानी। अब बोल रहा है दोस्तों वह मिश्रण को पानी मिलाकर इतना पतला करना चाहता है कि मात्रा 4% रह जाए, पानी की कितनी मात्राएं मिलाई जानी चाहिए, नाइट्रिक एसिड की मात्रा वो कितनी करना चाह रहा है उसके अंदर, 4% वह इसके अंदर नाइट्रिक एसिड की मात्रा वो पानी की मात्रा करना चाह रहा है। एक रसायनज्ञ के पास 10 लीटर का मिश्रण है जिसमें मात्रा का 10% नाइट्रिक एसिड है, मिश्रण को पानी मिलाकर इतना पतला करना चाहता है कि मात्रा इसकी 4% रह जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास में 1 नाइट्रिक एसिड है और 9 अपने पास में पानी है, तो पानी मिला रहा है दोस्तों 9 + x, 9 था x मिला दिया, अब कितना रहेगा दोस्तों, ये नाइट्रिक एसिड को कितना परसेंट कर रहा है, 4% कर रहा है, तो 4 आ जाएगा,
नाइट्रिक एक्सिड को ये 4% कर रहा है, तो ऊपर 4 आ गया और नीचे आ जाएगा दोस्तों 96, क्योंकि परसेंटेज 100 होता है, तो 4 या यदि नाइट्रिक एसिड है 4% तो पानी होगा फिर 96%, तो ये आ गया 4, 4 से दोस्तों इसको कैंसिल करूँगा, ये हो जाएगा दोस्तों 24, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 + x = 24, 9 + x = 24, तो x इजिकल टू दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास में 15, तो ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अपना, एक व्यक्ति के पास 60 पेन है, वह इनमें से कुछ को 12% लाभ और शेष को 8% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे पर उसे 11% का लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अपने पार्ट 1 के वीडियो में किया था, यदि आपको नहीं समझ में आया हुआ तो आप या एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। 12% दोस्तों उसको लाभ हो रहा है और कुछ पर दोस्तों उसको 8% की हानि हो रही है, तो एक तरफ दोस्तों प्लस लाभ वाले को मैंने प्लस में लिख दिया, हानि वाले को मैंने माइनस में लिख दिया, ये हो गया दोस्तों लाभ प्लस और ये हो गया हानि माइनस 8। अब पूरे सौदे पर उसको दोस्तों 11% का लाभ हो रहा है, इसको ऐसे ही कर रहे थे अपन, ये इधर से लेकर जाएंगे तो ये माइनस 8 माइनस 11 अनुपात हो जाएगा, फिर दोस्तों ये जो जाता था वो नीचे से ऊपर जाता था, 11 - 12 ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 19 और ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 19 अनुपात माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, अनुपात कितना आ गया दोस्तों 19:1, और 19:1 आ गया अपने पास में। अब तुमको 12% वाला चाहिए, तो 12% वाला इधर वाला ही था, इधर ही था 12%, इधर था 8% हानि वाला था, तो ये चाहिए, तो अनुपात आया अपने पास में 19:1, तो टोटल पेन है दोस्तों 60, 60 का दोस्तों अपन 19:1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 19:1 में ये 19 फाइंड करना है अपन को, तो ये हो जाएगा 19/20 × 60, 19 और 1 = 20, तो 19/20 × 60, 19/20 × 60, इसको इससे काट दिया 3, 19 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास में 57, ऑप्शन नंबर ए 57। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।